गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह की शुरुआत मेरी हनी लेमन वाटर से हुई, तो मैं सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ले लेती हूँ एंड फिर मैं आपसे सीधे मिलूँगी ब्रेकफास्ट में। तो अभी मैंने स्टार्ट किया इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो मैं 12 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मेरे ब्रेकफास्ट में एप्पल, ड्राई फ्रूट्स एंड एग होता है। तो पहले मैं एप्पल खाती हूँ क्योंकि मैं सीधे रात में 8 बजे खाती हूँ, फिर सीधे मॉर्निंग में 12 बजे, तो ये हल्का सा मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो बस ये मेरे ब्रेकफास्ट है। अब मैं सीधे करूँगी लंच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, मैं नेक्स्ट डे वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल मैं वीडियो पूरा नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो फ्राइडे हमारे यहाँ पे जीतिया था, तो उसकी वजह से ना मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ऐसी डुबला डोल चल रही थी। तो अभी स्टार्ट किया है एंड आपको एक चीज़ इस वीडियो में शेयर करूँगी, मैंने अभी स्टार्ट किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैं ये 20 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, पर क्या था ना कि मैंने ना उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया था इसके बारे में, पर अभी ना मैं 2-3 दिन पहले से ना बहुत ज़्यादा स्टडी करी इसके ऊपर कि क्या मुझे खाना चाहिए, कौन सा बेस्ट विंडो होता है, कौन सा बेस्ट टाइम होता है, कौन सा विंडो मुझे चूज़ करना चाहिए, मेरा बॉडी टाइप क्या है, मेरा बॉडी क्या चीज़ वेयर कर सकता है, क्या चीज़ नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ के ऊपर मैं स्टडी करके अब प्रॉपर कर रही हूँ। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो जब क्लोज विंडो में मुझे ड्रिंक लेना है तो कौन कौन से ड्रिंक मैं ले सकती हूँ, कौन कौन से ड्रिंक मैं नहीं ले सकती हूँ, वो सब चीज़ मैंने स्टडी प्रॉपर किया। उसके बाद मैंने अभी स्टार्ट करा है प्रॉपर। तो इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा अभी कुछ हुआ नहीं, अभी मैंने स्टार्ट किया तो पूरा फुल नहीं, लेकिन हाँ एक आइडियाज़ आपको देती जाऊँगी इस वीडियो में। तो ब्रेकफास्ट मेरा डन हो चुका है, ब्रेकफास्ट जो की हूँ, अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो चलिए आपसे मिलती हूँ लंच के टाइम में। चले आज लंच में मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन एंड, क्योंकि अभी बस ये वीक चिकन खाना है, फिर नवरात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो नॉनवेज नहीं खाना, तो मैं यहाँ पे अनियन कट कर ले रही हूँ एंड चिकन को मैंने हल्दी, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर से मैरिनेट कर दिया है एंड तेल गरम किया है एंड मैंने प्याज को ना बिल्कुल पतले पतले वाले जो बिरयानी में डलते उस तरह से फ्राई कर लिया है एंड चिकन को भी यहाँ हल्के ऑयल में सालों फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। जब चिकन पूरा अच्छे से पक जाएगा तो हम इसे निकाल के रख लेंगे, इसे निकाल लेना है, अच्छे से बिल्कुल पकाना है आपको चिकन को, तो आप मीडियम फ्लेम में ही इसे फ्राई करना। आप ऑयल कम भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे माइक्रोवेव अवन में ग्रिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार में लिया है दही एंड उसमें कुछ ऐड कर दिया काजू एंड जो मैंने प्याज तले थे ना उसे उसमें ऐड कर दिया एंड थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके मिक्स अच्छे से पेस्ट बना लिया है। फिर मैंने पैन को दूसरे ऑयल डाला, वो ऑयल हटा दी थी मैं, पैन में ऑयल डाला एंड तेज़पत्ता, लाल मिर्च एंड खड़े मसाले, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग एंड वो फूल होता है ना वो डाला है एंड थोड़े से मसाले को ऐसे फ्राई कर लेना है। मैंने इसमें कबाब चीनी भी डाला है एंड साथ में जब फ्राई हो जाए तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर डाल के इसे थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए आप इसे पका लो अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें पीसा हुआ टमाटर ये ऐड कर दूँगी। टमाटर को जब थोड़ा सा भून जाए, मतलब मिक्स हो जाए अच्छे से, तब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप पहले डाल सकते हो, पर पहले डालने से क्या होता है ना, वो कढ़ाई में चिपकने लगता है, इसलिए मैं बीच में डालती हूँ। जब जिंजर गार्लिक का स्मेल चला जाए तो उसमें और मसाले ऐड करूँगी। तो अभी मैंने राइस भी चढ़ा दिया साथ साथ में एंड जो मैं दही और प्याज का पेस्ट बनाई थी ना वो ऐड किया, जब अच्छे से टमाटर पक जाए तब फिर उसे ऐड करके अच्छे से उसे भी थोड़े देर पकाना, ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। नमक ऐड कर दिया, नमक ऐड करने के बाद ढक के इसे आपको थोड़ी देर पकाना है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन मसाला। चिकन मसाला ऐड के करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी भुनी हुई कसूरी मेथी जो मैं पहले से भून के रखती हूँ, तो मैं एक डब्बे में पहले से भून के एंड क्रश करके रखती हूँ। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को अच्छे से इसमें मिक्स करना। अगर आप नान या रोटी के साथ खा रहे हो तो आप ड्राई भी खा सकते हो,
और आप इसका ना बिरयानी भी बना सकते हो। राइस भी मेरा हो चुका है, लेकिन अगर आप राइस के साथ खा रहे हो तो आप ग्रेवी वाला बनाओ। तो मैंने इसे दूसरे कंटेनर में डाल दिया है, एंड मैंने ना इसमें बिल्कुल गर्म पानी डाली है जो मैंने माइक्रोवेव किया था। ठंडी पानी डालने से टेस्ट बदल जाती। तो ये था मेरा आज का लंच, बिल्कुल थोड़ा सा राइस लिया, ज़्यादा सैलेड एंड चिकन लिया है मैंने। तो बहुत टेस्टी बना था रेस्टोरेंट स्टाइल, आप इसे ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट में बताना। रिधान भी स्कूल से आ चुका है, तो उसे मैं ऐसे मिक्स करके दे देती हूँ, वो अच्छे से खा लेता, नहीं तो अभी वो उतनी अच्छे से नहीं खा पाता, तो ऐसे मिक्स करके दे दूंगी तो वो खा लेगा। चिकन एंड राइस और मैं ब्रेकफास्ट एग सैंडविच और मैं दोस्त खाना मुंह कर गया। गुड, वेरी गुड, ग्रेट। और दोनों का इधर बहुत स्पॉट्स देख क्लीन हुआ। ओह यस आई नो, गुड बॉय रिदान। एंड सम डिलीशियस सो वाटर। ओह इट्स लेस वाटर, गुड। I tricked you that I didn't drink water. You're a tricked man. जब तक रिधान लंच करता है तो मैं उसके बैग चेक कर लेती हूँ क्या क्या वर्क आए हैं उसके स्कूल से। दो वर्क तो कंप्लीट है, एक होमवर्क मिला बस। यू नो नाउ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज योर होमवर्क राइट? राइट, दैट्स द होमवर्क। एंड दिस इज जस्ट अ सोशल स्टडीज किट व्हिच जस्ट गॉट कंप्लीटेड। ओके गुड, यू कैन हैव टू टेक इट होमवर्क। Yeah, Bino Jack. It's a Bob, it's not the dice. Columbus Bay. Okay, good. Let's go back down there. Mom. Mom, what? The place value to 1,000. Dot, dot, dot. Chalo, jao, khara kha. Look. आने के बाद मैं यहाँ पे अभी लॉन्ड्री था तो सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, तो मुझे ये वर्ल्ड का सबसे घटिया काम लगता है। अगर आप मुझसे पूछो कि आपका सबसे अनफेवरेट काम क्या है तो मैं बोलूँगी कपड़े फोल्ड करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर करना तो पड़ेगा ही। सो बस ये था मेरा आज का दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, रेसिपी ज़रूर ट्राई करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, बाय।